Hello everyone, today I will discuss about the single phase half bridge inverter. So in last classes already I have discussed about what is inverter, means introduction class, so available in YouTube, lecture number one, that is inverter, their classifications also. So now today I will discuss what is single phase half bridge inverter. So let's start the class. So today very, very important. So all of you try to prepare notes. Okay, so now I will discuss what is single phase half bridge inverter. So okay, a single phase, half bridge inverter. Actually, this is I want to discuss here. Basically voltage source inverter, single phase half bridge voltage source inverter, VFI. Okay, so single phase half bridge inverter. So in single phase half bridge inverter, basically we require two switches and two diodes, तो स्विच एक्चुअली हम लोग स्विच जब बात करते हैं तो स्विच कुछ भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो सकता है यहाँ पर, लाइक एज आईजीबीटी मॉसफेट हम लोग ले सकते हैं या थायरिस्टर भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग थायरिस्टर पे यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं. तो बेसिकली जो अभी हम करने वाले हैं नॉर्मल में एक क्या कर रहा हूँ कि स्विच जो है कि स्विच को लेकर के कंसिडर कर रहा हूँ. सपोज दैट सपोज हियर this is a simple circuit diagram, see here. Now अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं स्विच ही मान लेता हूँ, ठीक है, मैं अभी थायरिस्टर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि कोई दो स्विच है मेरे पास, थायरिस्टर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, T1 T2 और थायरिस्टर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कॉमन में बता रहा हूँ. और ये जो है दो एंटी पैरेलल डायोड. सो बेसिकली एंटी पैरेलल डायोड का फंक्शन हम लोग यहाँ पर फीडबैक डायोड भी कहते हैं, फीडबैक डायोड. और इसका क्यों फीडबैक बोलते हैं ये भी आप लोगों को आज क्लियर हो जाएगी. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो स्विच लिए हुए हैं, मान लेते हैं कि स्विच आज ठीक है, इसके अक्रॉस में फिर लोड, दैट इज लोड, लोड इज कनेक्टेड हियर. सो नाउ दिस इज सपोज वोल्टेज VDC by 2 एंड नाउ दिस इज VDC by 2. Okay. So see here. Now considering suppose this is the output voltage across this one. Now polarity of light, this is suppose this is plus, now this is minus. Okay. Now here the current directions consider जो किए हैं, जो load current का बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस direction में हम लोग लिए हुए हैं. ठीक. अब ये जो switch है, ये जो हम लोग switch है, इसको मान लेते हैं कि S1 switch है, और ये मान लेते हैं suppose this is S2 switch. Okay. Now here two diode, that is D1, now this one, that is D2. Okay. और ये जो हम लोग का लोड है, ये एक्चुअली बेसिकली लोड का कनेक्शन ऐसे ही है, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग दो डायोड है और दो स्विच है. बेसिकली ये जो है यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शन, बेसिकली हम लोग इसको क्या करते हैं, यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शन. तो डायोड का जो पर्पस होता है वो बेसिकली हम लोग का जो आउटपुट है वो बेसिकली मीन्स ये क्या कर रहा है कि लोड टू सोर्स की तरफ, और जो स्विच है वो क्या है, सोर्स से लोड की तरफ, ठीक ना. ये बेसिकली हम लोग क्या है, लोड, दिस वन दिस इज द लोड. ओके, दिस वन लोड. तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यूनिपोलर, यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल. यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन क्योंकि डायोड का जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा. सो ओके, यदि हम लोग बेसिकली यहाँ पर समझना चाहेंगे क्वाड्रेंट ऑपरेशंस के बारे में, एक्चुअली यदि हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट स्विच, सपोज दैट हम लोग स्विच S1, इस स्विच को यदि हम लोग ऑन करते हैं, फर्स्ट स्विच को ऑन करते हैं, सपोज दैट यदि हम लोग फर्स्ट केस में समझते हैं कि हम लोग का जो है ये S1 को ऑन कर रहे हैं,
ऑन कर रहे हैं एस वन को, सपोज एस वन को हम लोग ऑन कर रहे हैं एस वन, ओके। तो यदि ये एस वन स्विच को यदि हम लोग ऑन कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का करंट का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, करंट डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज जो हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, यहाँ पर तो क्लियर हो रहा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, जिसके आउटपुट में जो वोल्टेज होगा हम लोग, ये जो वोल्टेज होगा मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो होगा क्या, वो हमेशा हम लोग को दिख रहा है कि क्या हो रही है प्लस, दैट इज वीडीसी बाय टू, वीडीसी बाय टू, ओके। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट हियर, सो करंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज आई नॉट, ही सी हियर आई नॉट, सो हम लोग का करंट के डायरेक्शन की तरफ ही तो जा रहे हैं। तो इस केस में जो हम लोग का करंट होगा, करंट इज ऑल्सो दैट इज पॉजिटिव, ओके, मीन्स यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव करंट हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, पॉजिटिव करंट, ओके। नाउ सपोज स्विच एस वन का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी हम लोग लोड को मान के चल रहे कि जो भी लोड है हम लोग अभी लोड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि रेजिस्टिव लोड हो, जब रेजिस्टिव लोड होगा तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि जो डायोड होगा कंडक्ट नहीं करेगा, वो सब सारी चीजों को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन करके, फिलहाल मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ जब क्या हो रहा है। सपोज दैट हम लोग डी वन को ऑन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग डी वन को ऑन कर रहे हैं, ओके, तो व्हाट विल हैपन हियर अगेन, सपोज हम लोग का यदि डी वन ऑन होता है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यदि ये चॉपर, ये सॉरी ये जो हम लोग का स्विच है यहाँ पर यदि हम लोग ये ऑफ कंडीशन में है, तो यदि ये डी वन को यदि हम लोग ऑन करते हैं तो व्हाट विल हैपन हियर, सी क्या होता है हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम लोग डी वन को ऑन किए हैं, एक मिनट, सो हम लोग अभी देख सकते हैं यदि हम लोग ये स्विच अभी हम लोग का जो है कि इस तरह से है कुछ, एक मिनट, ओके, When this D1 will be on, what will happen here? देख सकते हैं हम लोग का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वोल्टेज का बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज दोनों सेम ही रहेगा, देख सकते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, देर इज नो चेंज इन द पॉलिटी ऑफ वोल्टेज, बट सी यर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस वन, बट नाउ वेन द डायोड डी वन विल कंडक्ट देन वॉट विल हैपन, द करंट विल बी ऑपोजिट, देर इज नो चेंज इन द वट, दिस इज द qualities of this voltage, okay, but when diode D1 will on then current will be negative, current will be negative, okay, okay, so next case, suppose switch S2 will be on, then what will happen, switch S2, now this switch S2 will be on, if we switch S2 ko on karte hain to kya hoga, so yahan par hum dekh sakte hain jab suppose there is switch S2 ko on karte hain, सो यहाँ पर जो नेगेटिव है दिस वन, दिस इज पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव, सो ओके सी हियर व्हेन S2 विल बी ऑन, S2 विल बी ऑन, सी दिस S2, ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन, ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ दिस बैटरी, लेकिन आउटपुट हम लोग नेगेटिव किसके साथ में कनेक्शन है, ये पॉजिटिव के साथ में है ना, और ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, मतलब इट मींस क्या आउटपुट वोल्टेज का जो हम लोग का पॉलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वीडीसी बाय दिस वन, ओके ओके, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, सो करंट का डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, देखो करंट का डायरेक्शन यहां पर हम लोग क्या दिख रहा है, हम लोग का मूवमेंट क्या है अपोजिट ऑफ दिस करंट है ना, यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, करंट जो होगा वो भी हम लोग का यहां पर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, ओके, सो सपोज नाउ दिस थायरिस्टर्स विल बी ऑफ, ओके, then what will happen, suppose this D2 will be on, यदि हम लोग यहाँ पर D2 को ऑन कर देते हैं, D2 को तब क्या होगा, now D2 को हम लोग यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, ठीक है, so यदि D2 को ऑन करते हैं तो हम लोग के पास क्या आएगा, देख सकते हैं जब हम लोग सिंपली अभी बात कर रहे हैं कि D2 को ऑन कर रहे हैं, तो D2 को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, वोल्टेज का पॉलिटी में कोई चेंज आएगा क्या, और क्या हो सकता है, इस D2 को यदि हम लोग ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग का डायरेक्शन होगा, जिस तरह से है ना, जब इस तरह से हम लोग डायरेक्शन हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि इस D2 से होकर के ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जो नेगेटिव बैटरी के साथ में ये पॉजिटिव है, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो वोल्टेज का जो पोलरिटी होगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा, दैट इज वीडीसी बाय टू, ओके है ना, बट सी डायरेक्शन ऑफ करंट,
सो करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने क्या जूम किया है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इट्स मीन दैट व्हेन डी टू विल बी ऑन देन व्हाट विल हैपन, करंट विल बी पॉजिटिव. सी हियर, करंट विल बी पॉजिटिव, करंट विल बी पॉजिटिव. सो इन दिस वे वी विल एक्सप्लेन इजीली द क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट विच विल ऑपरेट, कर सकते हैं कि नहीं. यदि हम लोग क्वाड्रेंट का बात करते हैं, सिंपली फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन. So now suppose this is the current. Okay, now this is the voltage. So you know that this is the first quadrant. This is the first quadrant. Now this is the second quadrant. Now this is the third quadrant. Third quadrant. Now this is the fourth quadrant. Okay. So voltage and current both will be positive when this switch S1 will be on. Okay, very clear. Okay. So here again, this current will be negative, but voltage will be positive. So which will conduct? This is D1. This is D1. So in third quadrant, what will happen? Your voltage and current both will be negative. So which switch? Switch or diode? So see here in this condition. See here, this one. This one means switch S2. When switch S2 will be on, then voltage and current both will be positive here. Okay. Now when voltage negative but current will be positive, so this is the diode D2. So in this way, we can see easily the which switch or which diodes are for the which quadrant operation. Okay. Now one thing is very very important. Now here, see here. Actually here S1 switch. Okay. Voltage current both positive. It means that this power is always greater than zero. इट्स मींस यहां से हम लोग क्या पता चल रहा है, ऑलवेज यहां पर पावर जो हो रहा है दैट इज सोर्स टू लोड. ठीक है, पर D1 जब बात करेंगे तो हियर दैट इज द पावर इज लेस देन 0. इट्स मींस दैट डायोड क्या कर रहा है, डायोड जो है लोड लोड से हम लोग का सोर्स की तरफ जा रहा है. डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट बात कर रही है. यहां पर जो हो रहा है क्या हो रहा है, यहां से लोड से सोर्स की तरफ पावर जो है फेड बैक टू द सोर्स, पावर इज लेस देन 0. Now again S2 switch. So here again that is the power is greater than 0. It means that here again that is the source to load. Now D2. D2 में फिर हम लोग वही देख रहे हैं कि जो power है that is power, see here less than 0. It means that again here load to source. तो इस तरह से हम लोग switch और diode के concept को समझ रहे हैं. Diode को इसीलिए हम लोग basically feedback diode कहते हैं. यहाँ पर हम लोग क्या basically देख रहे हैं कि diode का purpose क्या हो रहा है, कि जो हम लोग के पास जो पावर है वो लोड से सोर्स की तरफ, मतलब ऑपोजिट. ओके, बट स्विच जो क्या कर रहा है वो सोर्स से लोड की तरफ. तो इन दिस वे वी कैन इजीली सी दिस वर्किंग ऑफ दिस सिंपली दिस सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. सो नाउ आई विल डिस्कस देयर वेव फॉर्म्स. सो हियर व्हाट विल हैपन, हियर डायोड, डायोड का पर्पस क्या है, डायोड नेवर चेंजेस द व्हाट पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, बट इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली. हम यहाँ पर देख सकते हैं डायोड वोल्टेज का पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहा, बट इट विल ओनली चेंज द पोलैरिटी ऑफ व्हाट, पोलैरिटी ऑफ करंट. सो ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वेवफॉर्म्स जो है इसको देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग का ऑपरेट हो रहा है. तो वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं और हम लोग यहाँ से समझ में आ जाएगा. अब यहाँ से हम लोग पूरा क्लियर हो जाएगा कि वेवफॉर्म से हम लोग कैसे इसको समझेंगे, किस टाइप्स के लोड के लिए कि हम लोगों का स्विच कौन सा ऑपरेट होगा, कि डायोड कौन सा ऑपरेट होगा. तो आर लोड के केस में, एल लोड के केस में और आर एल लोड के केस में हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं अभी. तो लेट्स ड्रॉ द ऑल द वेव फॉर्म्स. ओके, कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छे से ड्रॉ करने हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. अभी सब लोड के लिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, और पावर ऑफ में जैसे बताया हूँ कि शुरू से ही बता रहा हूँ कि बेसिक को समझना बहुत जरूरी है. बेसिक इन द सेंस कि कौन सा यूनिपोलर है, कौन सा डिवाइसेस हम लोग का बाइपोलर है, कौन सा हम लोग का यूनिडायरेक्शन बाइडायरेक्शन होता है. ठीक है, तो ये सब का कॉन्सेप्ट समझना होगा, और इसके लिए जो है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को जानना चाहिए. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डायोड, ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट, फेड, ये सब का कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए. ठीक है,
सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ पर हम लोग यदि गेट पल्स देते हैं, सपोज हम लोग स्विच पहला स्विच के लिए मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट गेट पल्स हम लोग दे रहे हैं IG1, सो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, ये 0 है, ये ये सिंपली T/2, ओके, दिस इज सिंपली T/2, नाउ दिस इज टोटल टाइम, दिस इज द टी, ओके, एंड हियर तो सी नाउ सपोज दिस इज द IG1 फर्स्ट गेट पल्स, नाउ दिस इज द सेकेंड IG2, ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब पहला स्विच ऑन करेंगे दूसरा स्विच यहाँ पर ऑफ रहेगा, दो थायरे सपोज दो टू थायरेस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं तब, तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज की हम लोग बात करते हैं कि देन आउटपुट वोल्टेज हम लोग का यहाँ पर क्या है, ठीक है, सो आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली हम लोग का क्या है, एसी है, एसी का मतलब हम लोग का जो एवरेज होगा 0 होगा, मीन्स जब हम लोग स्विच S1 यदि हम लोग का ऑन है तो वहां पर प्लस VDC/2 आएगा, मीन्स सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या इस तरह से हम लोग आउटपुट वोल्टेज आएगा, और जब ये स्विच ऑन है मीन्स S2 ऑन होगा, जब S2 ऑन होगा तो उस समय क्या होगा, ये हम लोग का इस तरह से नेगेटिव VDC/2 आएगा, और फिर हम लोग का जब स्विच S1 होगा तो फिर हम लोग का ये वोल्टेज आएगा, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये VDC/2 व्हेन स्विच S1 और S1 जब ऑन होगा, और यहाँ पर -VDC/2 व्हेन कौन सा स्विच ऑन होगा, सिंपल स्विच S2, सो एक्चुअली ये किस टाइप के लोड के लिए बोल सकते हैं, ये सिंपली ये तो वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम लोग ये S1 और दिस इज फॉर S2 स्विच, अगेन दिस वन S1, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द करंट, बट दिस करंट डिपेंड्स अपॉन द लोड, मान लेते हैं कि फर्स्ट केस हम आर लोड के लिए लेते हैं, व्हाट विल हैपन आर लोड, सो एक्चुअली वी नो दैट इन केस ऑफ आर लोड बेसिकली द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ओके, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, सो व्हेन देयर इज द आर लोड देन वन थिंग इज दैट डायोड विल नॉट कनेक्ट आर लोड में, क्योंकि हम लोग का जब तक वोल्टेज करंट का पॉजिटिव अपोजिट नहीं होगा तब तक हम लोग का कोई भी डायोड कनेक्ट नहीं होगा, इट्स मीन दैट जब हम लोग का आर लोड रहेगा तो बेसिकली हम लोग करंट रहेगा वो सिंपल वोल्टेज वोल्टेज के साथ में ही, वोल्टेज के नेचर का ही हम लोग का यहाँ पर सिंपली करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स ये हम लोग का I0 हो गया, तो ये दिस इज माइनस I0, सो यहाँ पर जब स्विच S1 सिंपली ऑन है देख सकते हैं ये हम लोग को जो करंट मिल रहा है पॉजिटिव करंट है ना, अब जब हम लोग स्विच S2 का बात करेंगे, स्विच S2 का S2 के साथ में हम लोग क्या करंट नेगेटिव है, तो ये जब किस कॉन्सेप्ट है, ये सिंपली ये आर लोड है, आर लोड में हम लोग का डायोड विल नॉट कंडक्ट, डायोड विल नॉट कंडक्ट, तो बेसिकली जो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है वोल्टेज का जो पोलैरिटी वो करंट के साथ हम लोग देख सकते हैं, ये सिंपल करंट का है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर इंडक्टिव लोड का बात करें, इसका बात करेंगे इंडक्टिव लोड का, सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इंडक्टिव मींस प्योर इंडक्टिव लोड, सो प्योर इंडक्टिव लोड में क्या है, आउटपुट वोल्टेज स्क्वायर वेव फॉर्म में है तो करंट का जो वेव फॉर्म होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर, वो क्या होगा ट्रायंगुलर, लेकिन सिमिट्रिकल अबाउट दिस टाइम एक्सिस, इस एक्सिस के वो क्या होगा सिमिट्रिकल होगा, मीन्स कुछ इस तरह से हम लोग इस वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से, ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक मिनट, चलिए कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को समझ में आने से ही सारा चीज क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पर एल लोड के केस में ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना होगा, ये जो हम लोग का इस देख सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का ध्यान से देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉइंट, ओके, सो सी हियर सी दिस वन, सो ये जो बेसिकली क्या था ये 0 है और ये जो है टोटल ये कितना है, ये टी है, T/2 है, ये क्या है T/2, सो दिस वन बेसिकली T/4, ओके, T/4, सो व्हाट विल हैपन हियर, सो व्हाट विल हैपन हियर, नाउ दिस इज T/4, नाउ दिस इज इन दिस ड्यूरेशन सी हियर इन दिस ड्यूरेशन करंट विल बी नेगेटिव बिकॉज़ हियर दिस इज द पॉजिटिव करंट, नाउ दिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस करंट, ओके, नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट, देन व्हाट विल हैपन हियर, यार करंट विल बी नेगेटिव बट सी यार वोल्टेज विल बी पॉजिटिव, सो करंट विल बी नेगेटिव बट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव देन व्हिच विल कंडक्ट, सो हियर इन दिस ड्यूरेशन दिस डायोड D1 विल कंडक्ट, नाउ
See here, in this direction, which one conduct? Here current and voltage both positive, means here S1 will conduct, S1 switch will conduct. Now again here, T by 2, this is 3 T by 4. Okay, so here which will conduct? So here see, voltage, this one voltage will be negative, but current will be positive. The voltage will be negative, but current will be positive, means diode D2 will conduct. Okay. Now in this direction, this so for time here T here, in these durations, which one conduct? So here again the current will be negative and voltage also will be negative. So which one conductions are which switch? So here S2 switch will conduct. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपली यहाँ पर हम लोग हाफ ब्रिज के लिए बात कर रहे हैं, ना वोल्टेज VDC/2 और करंट, तो यहाँ पर एसी प्योर एसी के बाद जब करते थे एवरेज वैल्यू जो होगा जीरो होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों जा रहे हैं, इंडक्टिव लोड के केस के लिए. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव देख सकते हैं, नेगेटिव करंट, फिर ये जो है पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव के लिए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस तरह से इंडक्टिव लोड के केस के लिए हम लोग यहाँ पर समझ कर रहे हैं कि आसानी से कौन सा स्विच और कौन सा डायोड यहाँ पर कंडक्ट होगा. ठीक है, तो आई होप दैट यहाँ पर यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर जो मैंने बताया वो सिंपल सा यही था कि जीरो से लेकर टी और ये टी बाई टू तक में, है ना, ये टी बाई टू तक में हम लोग का ये सिंपल कौन सा स्विच ऑन हो रहा है, S1 स्विच ऑन हो रहा है. ठीक है, और जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है वही हम लोग देख सकते हैं, सिंपल VDC/2 है. ठीक है, और फिर हम लोग जब T/2 से लेकर के यदि हम लोग T तक का बात कर रहे हैं, किसका T तक का, तो इस समय हम लोग का स्विच जो है वो S2 ऑन हो रहा है, स्विच S2 ऑन हो रहा है. ठीक है, और ये जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को जो मिला है वो क्या मिल रहा है, -VDC/2. ठीक है, ओके सॉरी, VDC/2, जस्ट वेट, VDC/2, एक मिनट थोड़ा, VDC/2. ओके, सो ये बेसिक जो मीन बताया मैंने, अब यहाँ पर आर लोड और एल लोड के लिए मैंने यहाँ तक पता दिया, लेकिन यदि लोड हम लोग का यदि आर एल लोड बेसिकली पता ही होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट में, ट्रांजिएंट में, बेसिकली नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट कुछ तो आना चाहिए. और जब आर एल लोड का बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल टाइप्स का कर्व होता है कुछ. ठीक है, और फिर आरएलसी का बात करते हैं, तो दो केस के लिए हम डिस्कशन करेंगे, ओवरटाइम के लिए और अंडरटाइम के लिए. तो मैं इस साइड में जो है कि सारे कर्व्स को फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और आई होप दैट आप लोग को ये सब तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग कौन सा स्विच में क्या हो रहा है. ठीक है, और जब सिंपली आर लोड का बात किए थे, आर लोड में कोई भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये बात तो क्लियर होना चाहिए. यहाँ पर एल लोड के लिए हम लोग देख सकते हैं डायोड और स्विच इस तरह से कंडक्शन हुआ है. ठीक है, सो ओके, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में समझते हैं कि आरएल लोड आरएलसी लोड के लिए क्या कॉन्सेप्ट है. ओके, तो ये एल लोड के लिए हो गया, और मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग आरएल लोड के लिए ले रहे हैं. ठीक है, आरएल के लिए, सो आरएल के लिए मैंने बताया कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, तो ये जो करंट के लिए बेसिकली मान लेते हैं, अभी जो मैंने बताया कि ये आई नॉट है, है ना, और ये जो है कि माइनस आई नॉट है. तो एक्सपोनेंशियल राइज जो हम लोग का, ये कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल राइज होगा. ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होगा हम लोग का, जो डायोड और स्विच का जो कॉन्सेप्ट है वो कंडक्शन टाइम, डायोड के लिए कुछ अलग कंडक्शन टाइम होगा, मतलब ज्यादातर स्विच का कंडक्शन टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं. तो ये कुछ इस तरह से हम लोग का जो ये कर्व है, हम लोग का यहाँ पर कर्व जो है कुछ इस तरह से मिलेगा. जब आर लोड का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट्स को, ये पॉइंट को देख सकते हैं. सो यहाँ पर फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट जो है फिर वही आ गया. क्या आ गया कि इस समय हम लोग का करंट जो है नेगेटिव है, और क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव है. ठीक है, करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, तो जो इस तरह केस होता है, यहाँ पर क्या कंडक्ट करेगा, डायोड, कौन सा कंडक्ट, डायोड D1 कंडक्ट करेगा. ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोग का क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्विच S1 कंडक्ट करेगा. सिमिलरली यहाँ पर क्या कंडक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में डायोड D2, और फिर इस डायरेक्शन में क्या होगा, स्विच S2. हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम लोग समझना होगा कि फॉर आरएल लोड, आरएल लोड के केस में क्या है, डायोड कंडक्ट फॉर ए स्मॉलर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू द स्विच. ठीक है, आरएल लोड के केस में,
यहाँ पर एक्सपोनेंशियल हम लोग का ये टर्म निकला है, ठीक है। हाँ, अब यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक चीज सिंपल सा, ये हो गया आर एल लोड और आर एल सी लोड, लेकिन हम लोग ओवर डैम्प्ड केस के बात करें, इसके लिए बात करेंगे ओवर डैम्प्ड। तो आर एल सी ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड के लिए। सो ओवर डैम्प्ड के केस में एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स यहाँ पर जो कंडक्शन होगा यहाँ पर कुछ लैग होगा, मतलब यहाँ पर हम सिंपली जस्ट वेट कुछ फाइव एंगल से हम लोग यहाँ पर क्या होगा, कुछ फाइव एंगल से लैग होगा, कुछ फाइव एंगल से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम लोग को कर ड्रॉ करने में सुविधा होगा। एक मिनट, ये कर्व्स को ड्रॉ करने में आसानी होगा इक्वल इंटरवल पे। ओके, सो जब ओवरडैम के लिए बात करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर, कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, सो लैगिंग पावर फैक्टर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोगों का जो कर्व है थोड़ा सा ड्रॉ करने में हो रहा है, और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर के केस के लिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग स्विचेस का फिर बात करेंगे और डायोड का कंडक्शंस का, तो ये तो आप लोगों को हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पर इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है, तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, डायोड D1 कनेक्ट कर जाएगा, यहाँ पर कौन सा स्विच S1 कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डायोड D2 कनेक्ट करेगा, डायोड D2, और यहाँ पर फिर क्या होगा, स्विच S2 कंडक्शन होगा, ठीक है। ये एक्चुअली मैग्नेट्यूड नीचे, अच्छा ये नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एक्चुअली यहाँ से ही जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना होगा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है, जस्ट वेट, कंफ्यूजन नहीं होने तो फिर इसमें क्या होगा कि डाउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से, ओके, यहाँ पर बॉर्डर लाइन होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये होंगे हम लोग का ओवर डैम्प के लिए। यदि हम लोग अंडर डैम्प का बात करेंगे तो अंडर डैम्प का केस में क्या होगा, अंडर डैम के केस में यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर के केस के लिए लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, मींस ये सिंपली बोल सकते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, सिंपली क्या बोल सकते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर मींस अब जो है कर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये, एक मिनट, ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर एल सी किसके लिए है, ये आर एल सी बोल सकते हैं अंडर डैम्प के लिए, अंडर डैम्प के लिए मीन्स लीडिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डायोड कंडक्शन हो रहा है पहले कि स्विच हो रहा है, ये भी ध्यान में देना होगा। हमको लग रहा है कि ये ओनली वन केस है जहां पर पहले डायोड कंडक्ट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर इस ये जो ड्यूरेशन है, ये वाला जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में वोल्टेज एंड करंट दोनों पॉजिटिव, पहला केस है, ये भी ध्यान में देना होगा, ये पहला केस है जहाँ पर फर्स्ट टाइम डायोड नहीं है, तो हम लोग सारा केस में देख सकते हैं, यहाँ भी डायोड कंडक्शन हो रहा है, हो रहा कि नहीं, यहाँ भी डायोड हो रहा है, यहाँ भी डायोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बोथ वोल्टेज एंड करंट यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, इट्स मीन दैट स्विच पहले हम लोग यहाँ पर स्विच S1 यहाँ पर कंडक्शन होगा, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन है, ये वाला ड्यूरेशन हम लोग देख सकते हैं, जो ये S1 इंटरवल के लिए ये जो ड्यूरेशन है, यहाँ पर हम लोग का करंट नेगेटिव है लेकिन वोल्टेज पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर डायोड D1 कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पर कौन सा डायोड हो रहा है, D1। फिर सिमिलरली यहाँ पर कौन सा स्विच होगा, S2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर सिमिलरली इस ड्यूरेशन के लिए इसके लिए डायोड और D2 का कंडक्शन यहाँ पर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं सिंपल वे में, जस्ट वेट, तो एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि आर एल सी
डैम्प्स के लिए क्या है, आरएलसी ओवर डैम्प के लिए क्या है, बस लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर स्विच जो है ऑन हो रहा है, फिर डायोड ऑन होगा। और सारे केसेस में जो हम लोग देख रहे थे, पहले डायोड ऑन हो रहा था फिर स्विच ऑन हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग जो है सिंगल फेज जो है वोल्टेज इन्वर्टर, हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स के बारे में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो थायरिस्टर को ऑन करने के लिए ट्रिगर दे रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग स्विचेस ऑन हो रही है। आर लोड के लिए क्या केस हो रहा है, एल लोड के लिए क्या हो रहा है, ठीक है, आर एल लोड के लिए क्या हो रहा है, आर एफ सी और अंडर डैम्प कंडीशन के लिए क्या हो रहा है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सिंपली हम लोग का दो डायोड्स हैं, दो ट्रांजिस्टर या जो भी दो स्विच हम लोग यूज करके हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स का हम लोग सिंपली आराम से उसको बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो है कि ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फुल ब्रिज इन्वर्टर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। और वहां पर हम लोग बहुत ही बेसिक थे, तो यदि ये आज की क्लास के आप लोगों को क्लियर हो गई है तो उसमें जो है कि सिंपल हम लोग का फोर नंबर ऑफ थायरिस्टर्स एंड फोर नंबर ऑफ डायोड्स का यूज होगा। सो ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।